अभी बताते हैं यार इसको। ओए ओए ओए, रुक रुक रुक, अभी बताता है। आज गाइस रेस हो ही जाए निंजा 300 से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली गाइस आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस आज संडे है और संडे को कहीं घूमने जाने का प्लान है, तो अभी थंडर भी रेडी है, उसको मैंने कोल्ड स्टार्ट दे दिया है। तो अभी निकलते हैं, और कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ बाइक पर बैठ के। तो अभी चलते हैं, सीधा मिलते हैं बाइक पर। तो यार मैं आ गया हूँ बाइक पर, अभी निकलते हैं। तो निकल गए हैं। तो यार आज मैं शायद जाने वाला हूँ करोल बाग, क्योंकि दीपांशु भाई से बात हुई थी मेरी, आज कहीं जाने का प्लान था, तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं कहीं। तो आइडिया दिया था करोल बाग का, और शायद लेने जाने वाले हैं उनकी निंजा 300 के लिए एडजॉस्ट जो उन्होंने लगवा रखा है उसके लिए डीबी किलर। तो डीबी किलर के लिए हो सकता है हम करोल बाग जाएँ, बाकी कन्फर्म नहीं है, बस उन्होंने आइडिया दिया था। तो अभी चलते हैं, उनसे मिलते हैं और देखते हैं कहाँ का प्लान है एक्चुअल में। बाकी यार धूप इतनी ज़्यादा है, मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है, खो गए हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने, मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ करोल बाग अगर जाऊँगा तो फिर ग्लव्स भी ले लूँगा जो भी समझ में आएंगे, और दीपांशु भाई मेरे को रास्ते में मिलेंगे और पहुँचने वाले होंगे वो भी, मैं भी पहुँचने वाला हूँ। तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं। तो यार मैं पहुँच तो चुका हूँ जहाँ पर वो दीपांशु भाई मेरे को मिलेंगे, बट यहाँ दिख नहीं रहे हैं, कहीं नीचे की साइड तो नहीं है, वो आगे खड़े हैं शायद। हाँ तो वहाँ खड़ा है वो। ये रही अपनी निंजा और अपने दीपांशु भाई। तो मिलते हैं, फिर आगे चलते हैं, पूछते हैं कहाँ जाना है। क्या हाल है भाई, कहाँ चल रहा है? करोल बाग। क्या लेना है? एसेसरीज कुछ मतलब डिसाइड नहीं है क्या, क्या लेना है? चले फिर, ब्लॉग शूट हो रहा है क्या? चलो सही है। तो भाई भी ब्लॉग शूट कर रहे हैं, और करोल बाग का ही अभी इन्होंने भी डिसाइड नहीं किया कि लेना क्या है, वहीं पहुंच के देख लेंगे। शायद एसेसरीज लेनी होगी मेरे हिसाब से, एडजॉस्ट तो लगवा रखा है, डीबी किलर या और कुछ जो भी समझ में आएगा वो देखेंगे। बाकी यार प्यारी तो लगती है अपनी, नेक्स्ट बाइक अगर मैं लूँगा ना तो यही लूँगा, बहुत प्यारी लगती है। तो मैं आगे चलता हूँ। बाकी यार संडे है, रोड पर ट्रैफिक कम है, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी चलाते हुए। मैंने भी फुल स्लीव की शर्ट पहनी हुई है, बट ग्लव्स नहीं है, आपको पता ही है, खो गए, मिल नहीं रहे हैं। बाकी आगे जहाँ हमें जाम मिल सकता है, आगे है कश्मीरी गेट, तो वहाँ हमें जाम मिल सकता है। बाकी आपको आगे जो बिल्डिंग दिख रही होंगी वो करोल बाग में ही है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली मुझे 10 मिनट लगेंगे, और अगर ट्रैफिक मिला तो और ऊपर भी हो सकता है, वैसे 10 मिनट में जहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर जाम मिल सकता है, और यहाँ पर जाम मिल भी गया है, बट अच्छी बात यह है कि ये चलता हुआ जाम है, ज़्यादा देर हमें रुकना नहीं पड़ेगा। और बाकी यार आपको साउंड पता नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, अपने निंजा 300 की बहुत ही प्यारी साउंड आ रही है, साउंड कह रहा हूँ मैं। ओ भाई अभी बताते हैं यार इसको। आज गाइस रेस हो ही जाए निंजा 300 से, अपनी एमटी कम थोड़ी है। क्या साउंड दे रही है भाई, मजा आ गया। बाकी यार बाइक बहुत प्यारी लग रही है, और इसके हर बार जब भी मैं मिलता हूँ ना इनसे, मैं एक ही बात कहता हूँ, जो गोल्डन अलॉय है ना भाई साहब, अलग ही लुक। ये तो थोड़ी से हल्के हल्के से गंदे रहते हैं, बाकी मेरे पास रहे तो ये बहुत एकदम नीट एंड क्लीन रहे, जो कि बहुत ही प्यारे लगे। ये देखो गोल्डन अलॉय है। क्या रेस भाई कह रहे हैं, एक रेस हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं। वैसे दोनों में बहुत फ़र्क है, ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है प्राइस में भी और सीसी में भी। ये 150 सीसी की है, ये 300 सीसी की है, और प्राइस में देखा जाए 2 लाख की है, वो 4 लाख की है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बट अभी वो कह रहे थे रेस करने की, बट जिस हिसाब से रोड है आप देख सकते हो, मतलब आपको लगता है यहाँ पर रेस हो पाएगी,
इसके लिए तो एक्सप्रेस वे पर ही जाना पड़ेगा, वैसे इसका कोई कॉम्पिटिशन है भी नहीं। और भाई नी गार्ड पहन के आया है, मैं नहीं पहन के आया, मेरे पास रखे हैं बट मैं पहन के नहीं आया। सही बताऊँ तो यार याद नहीं रहते हैं नी गार्ड वगैरह पहनना। तो यार करोल बाग तो पहुँच चुके हैं बहुत ही मुश्किलों से, इतना गंदा जाम था भाई रास्ते में क्या ही बताऊँ मैं, एक घंटे से फंसे हुए थे हम जाम में। और आगे देखते हैं कौन सी शॉप पे रुकते हैं, मार्केट तो खैर आगे है सारी एसेसरीज वगैरह की। और लेफ्ट मुड़ेंगे तो अपना बाइक की मार्केट आ जाएगी पूरी, ये पूरी बाइक की मार्केट है। एक ये शॉप मेरे को अच्छी लग रही है, यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ लगा देता हूँ बाइक, तो ये लग गई अपनी निंजा, और इस शॉप पे चलते हैं देखते हैं भाई को क्या क्या लेना है, अगर यहाँ मिलेगा तो ठीक, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। इस शॉप पे हम आए थे उस पे तो मिला नहीं, बट हम अभी यहाँ पे आए हैं टोनी ऑटो सेल्स। यहाँ पे हमें डीबी किलर लेना था भाई को, और डीबी किलर हमने पसंद भी कर लिया है, ले भी लिया है। अभी आपको मैं प्राइस और ये लग के कैसा आवाज़ देगा वो भी बता देंगे। अभी इसमें फिट कर दिया उन्होंने बट फिक्स नहीं किया है, तो अभी फिक्स करेंगे, और फिक्स होने के बाद में ये कैसी आवाज़ देता है, कैसी लगती है इसकी आवाज़, ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार अपनी बाइक में डीबी किलर लग चुका है और बहुत ही प्यारी साउंड दे रहा है, एक बार मैं आपको सुना देता हूँ, तो आप एक बार साउंड सुन लो। ये देखिए ये डीबी किलर लगने के बाद साउंड है, बहुत ही प्यारी, मतलब रिफाइंड साउंड आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ी सी जो कान में चुभती है ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रही, रिफाइंड आ रही है बिल्कुल। तो डीबी किलर लग चुका है, बस यही लगवाना था, एक दो चीज़ें और देखनी थी बट वो समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि इंडिकेटर्स वगैरह, इसमें LED इंडिकेटर्स लगवाने थे, मैं भी सोच रहा था लगवाने की बट मैं भी नहीं लगवा रहा हूँ। ग्लव्स भी देखने थे बट वही जो नॉर्मल क्वालिटी है वही दिख रही थी, तो मैं देखता हूँ ऑनलाइन मंगाऊंगा ग्लव्स या फिर बाद में कभी देखूंगा। और ये वाली शॉप थी अपनी टोनी ऑटो सेल्स, किसी को अगर डीबी किलर या एडजस्ट वगैरह का कुछ काम कराना हो तो यहाँ पर करा सकते हो, अच्छा काम किया है, मतलब बढ़िया था। हमने 3-4 जगह पूछा, उनमें सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा, तो यहीं से करा लिया। तो अभी यहाँ से चलते हैं घर के साइड। बाकी यार निंजा पे अपना मन आ गया है यार, निंजा को जब जब देखता हूँ ना तब तब मन करता है इसको ले लूँ। तो यार अभी हम गलियों में घूमते हुए, क्योंकि बाहर मेन रोड पे तो है बहुत गंदा जाम, इनको देखो यार। अरे भाई साहब अंदर हो जाओ, हम तो हमारी तो मजबूरी है, हम तो बाइक पे जा रहे हैं, आप तो AC में बैठो आराम से। भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब सुन ही नहीं रहे हैं, बड़ा एटीट्यूड है भाई साहब में। तो यार जाम से निकल गए हैं, बहुत ही गंदा जाम था, एक घंटा वापस से फंसे हम, आने भी आते हुए भी फंसे थे एक घंटा, और अब जाते हुए भी फंसे हम एक घंटा जाम में। हेलमेट के अंदर पसीने से ऐसा बुरा हाल हो गया था, अब जो हवा लग रही है ना ओए होए, मतलब AC भी फेल है। आप देखो बगल में जा रही है निंजा, पहले जब जा रही थी तब इसकी साउंड सुनते, और अब जो जा रही है अब इसकी साउंड सुनो आप, अलग ही, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिल्कुल। मैं आपको इसके पीछे लेके जाता हूँ, ये देखो आप साउंड, देखो साउंड सुनो, देख कैसे सकते हो, साउंड सुनो, बिल्कुल भी नहीं है, इससे ज़्यादा तो स्प्लेंडर साउंड कर गई है। और यार आज करोल बाग में पता क्या था, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, संडे वाले दिन ही लोग फ्री होते हैं तो वो पहुँच जाते हैं करोल बाग में, और बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखे जो लद्दाख जा रहे हैं, और अब ठंड ख़त्म हो गई है तो वहाँ से जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम रहती है बर्फ़ वगैरह होने की और बाइक स्लिप होने की, अब वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी क्योंकि गर्मी आ गई है, बर्फ़ ज़्यादा नहीं मिलेगी वहाँ पर लद्दाख राइड पर। तो बहुत सारे ऐसे राइडर मिले जो कि अपनी जो बाइक है वो लद्दाख ट्रिप के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं, मतलब उसको तैयार करवा रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा रश था करोल बाग में, तो हमने डिसाइड किया अभी ये डीबी किलर वगैरह लगवाते हैं, हल्का फुल्का काम करवाते हैं और चलते हैं। तो यार अब यहाँ से मैं ऊपर चला जाऊँगा, ऊपर फ्लाईओवर पर चढ़ जाऊँगा, और दीपांशु भाई अपना नीचे से अपने घर को चले जाएँगे। तो यार दीपांशु भाई नीचे से जा रहे हैं अपना, और मैं अपना ऊपर से जा रहा हूँ, इनके घर यहाँ से इधर जाके कहीं आगे की तरफ है, और मैं सीधे चला जाऊँगा अपने घर की तरफ। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं टाइम से फ्री हो गया, टाइम से फ्री क्या मतलब दिन दिन में फ्री हो गया, नहीं तो हर वीडियो में मेरे को वापस आते आते रात तक हो ही जाती है, नहीं तो अंधेरा तो हो ही जाता है, बट आज जल्दी फ्री हो गया हूँ मैं, तो अच्छी बात है। तो होपफुली यार आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।